हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट मेंटेनेंस टू वाइफ, राइट। अपा मेंटेनेंस का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि कौन से पर्संस है जो मेंटेनेंस इंटाइटल कर सकते हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले वाइफ था, उसके बाद चिल्ड्रन है, देन एज्ड पेरेंट्स है जो मेंटेनेंस इंटाइटल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने वाइफ के बारे में देखा था। अब वाइफ के बारे में तीन सिचुएशंस है, व्हेन मैरी सबसिस्ट, कि जब मैरी सबसिस्ट करती है, उसके बाद डायवोर्स, देन विडो। सो व्हेन मैरी सबसिस्ट, तब अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में एंड सीआरपीसी में हमने देखा था कि कहां कहां पर जो वाइफ है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सबसे पहले हमने देखा था अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ कि जब मैरिज सबसिस्ट करती है तो वाइफ का एब्सोल्यूट राइट है, उसके बाद जो हस्बैंड है वो सिर्फ जो वैलिड मैरिज वाइफ है उसे मेंटेन करने के लिए बाउंड है, राइट। देन उसके बाद वाइफ रिच है, वाइफ पुअर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वाइफ के पास अपना इनकम सोर्सेज है, उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा काम है, उसके पास जॉब है, इट इज़ इमटीरियल। इट इज़ ड्यूटी टू बॉन्ड हस्बैंड, कि हस्बैंड की ड्यूटी है कि उसने अपनी वाइफ को मेंटेन करना है। उसके बाद ये वाइफ का इंडिपेंडेंट राइट है। इंडिपेंडेंट राइट क्यों है? बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर एग्रीमेंट। एनी अदर एग्रीमेंट मीन्स डावर, कि अगर वाइफ डावर ले रही है, क्लेम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो डावर है वो एक सेपरेट एग्रीमेंट है, वो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो मेंटेनेंस वाइफ क्लेम करेगी। देन उसके बाद है इट इज ऑल्सो इमटीरियल, के हस्बैंड के पास रीजनेबल मींस नहीं है, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। पर जरूरी क्या है कि वाइफ को फेथफुल रहना पड़ेगा, ओबिडिएंट रहना पड़ेगा, एंड विड्रॉ नहीं कर सकती फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, ठीक है। तो ये आप मुस्लिम पर्सनल लॉ विच देखिया सी। देन उस तो बाद आप कीता सी अंडर सीआरपीसी सैक्शन 125 125 विच, कि सीआरपीसी विच वाइफ का स्टैचुरी राइट आ। इस तरह नहीं है कि वाइफ अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ विच मेंटेनेंस क्लेम करती है तो इतने सीआरपीसी विच मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो वाइफ है, वाइफ का मुस्लिम वाइफ है, उसका स्टैचुरी राइट है। और सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कितनी मेंटेनेंस देनी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, बिकॉज इट्स डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अगर वाइफ मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो कोर्ट उस चीज को ध्यान में रखेगा जब मेंटेनेंस देना है। देन उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था कि मुस्लिम लॉ में और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस रहता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि हस्बैंड के पास सीआरपी सफिशिएंट मींस हो, कि अगर हस्बैंड के पास कुछ होगा तो ही वाइफ को देगा। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसकी जो है कि ड्यूटी बनती है और उसे जो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसके पास कोई मींस नहीं है। देन उसके बाद सीआरपीसी में वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज एंड वैलिड मैरिज वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ओनली वैलिड मैरिज वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस, राइट। उसके बाद हमने टू क्वेश्चंस किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन किया था कि व्हेन वाइफ नॉट लूज हर राइट ऑफ मेंटेनेंस, कि कब वाइफ है जो मेंटेनेंस का राइट लूज नहीं करेगी। नंबर वन था कि वाइफ रिफ्यूज कर सकते टू कोहैबिट, क्यों करेगी? क्योंकि हस्बैंड ने प्रॉम्प्ट डावर थी वो नहीं दी, वो पेड नहीं की, तो वाइफ के पास राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकते कोहैबिट के लिए। सेकंड था मैरिज कॉन्जुमेट नहीं, क्यों नहीं हुई? जहाँ तो वाइफ में इलनेस है या हस्बैंड में का फॉल्ट है, जिस वजह से मैरिज कॉन्जुमेट नहीं होता। तो ये कोई कारण नहीं है, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि जी वाइफ है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। वाइफ के पास राइट है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पर क्वेश्चन राइज था कब वाइफ है जो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, जहाँ अपना जो उसको राइट मिला है वो लूज कर देगी। तो वाइफ अडल्ट्री में है, वाइफ अपने हस्बैंड के प्रति जो है कि फेथफुल नहीं है, ओविडेंट नहीं है, और उसने विड्रॉ कर लिया है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड। तो इन वजहों से या इन कारणों के कारण जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगी, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये था कि जब वाइफ है अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि वाइफ जो लिविंग सेपरेट रह रही है, जहाँ सेपरेट होके हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जैसे हिंदू लॉ में क्लेम करते हैं सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा बेगम सुबानो अब्दुल गाफर केस में दिया गया।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वाइफ सेपरेट रह रही है तो उसका कारण ये है कि जो हस्बैंड है उसने सेकंड मैरिज कर ली। अब वाइफ को इस वजह से नहीं हमने मेंटेनेंस देनी कि हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली, बिकॉज हस्बैंड का राइट है, मुस्लिम लॉ में चार मैरिज अलाउड है मैन को, राइट, तो वो तो हस्बैंड का राइट है। हम इसलिए वाइफ को मेंटेन करेंगे कि वाइफ के जो मैट्रिमोनियल राइट्स है उसकी इंजरी हुई है, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। देन उसके बाद हमने देखा था सेकंड पॉइंट, डायवोर्स वाइफ। अब वाइफ का जो है डायवोर्स हो गया तो अब क्या स्टेटस होगा, राइट। इसमें हमने तीन था देखा था, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, सीआरपीसी सेक्शन 125 एंड उसके बाद 1986 का जो एक्ट था। पहले था मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि हम इद्दत के पीरियड के दौरान जो लड़की है, जो वाइफ है, डायवोर्स वाइफ है, वो मेंटेनेंस ले सकती है, उसके बाद जो वाइफ है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, राइट। अब इद्दत क्या थी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B जो मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डायवोर्स एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2B के अनुसार 3 मेंसुरेशन कोर्स, 3 लूनर मंथ, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी तक जो वाइफ है, डायवोर्स वाइफ है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी। पर अब क्वेश्चन राइज ये था कि इद्दत के बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो एक्ट आया था मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डायवोर्स, उसमें इसके बारे में बताया गया, राइट। सेकंड था सीआरपीसी था, सो सीआरपीसी एक यूनिफॉर्म लॉ है जो कि सब पर अप्लाई करेगा, इस करके जो मुस्लिम वाइफ है, ठीक है, डायवोर्स वाइफ है, वो आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत भी है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। देन उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट केस था मोहम्मद अहमद खान शाह बानो बेगम, राइट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो है कि वाइफ है आफ्टर मेंटेनेंस भी, सॉरी, जो आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत भी है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड था एक्ट था 1986 का, इसके सेक्शन 2A ये बताता है कि हम डायवोर्स वाइफ उसे मानेंगे जिसकी मैरिज मुस्लिम लॉ के अनुसार हुई है एंड जिसने डायवोर्स भी मुस्लिम लॉ के अनुसार ऑब्टेन किया है, जैसे जहर, इला, तलाक या डायवोर्स अंडर 1939 एक्ट के, हम उसे डायवोर्स वाइफ मानेंगे और उसे ही हम जो है मेंटेनेंस देंगे आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत भी, अदरवाइज हम और किसी जो डायवोर्स वाइफ उसे हम मेंटेनेंस आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत नहीं देंगे। सो ये जरूरी है, ये याद रखना, राइट। उसके बाद इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया मैनी रिट्स में, पर फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने किया डाइनल लतीफ एंड यूनियन ऑफ इंडिया में कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है एंड वाइफ जो मुस्लिम डायवोर्स वाइफ है उसका राइट है, वो आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। देन उसके बाद हमने देखा था विडो। अब जो था कि जो मेंटेनेंस देना है, राइट, हस्बैंड की पर्सनल लाइबिलिटी है और वाइफ का पर्सनल राइट है, तो जब हस्बैंड की डेथ हुई तभी ये राइट है वहां पर खत्म हो गया, राइट। अब ना तो वाइफ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इद्दत, ना अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में और ना ही सीआरपीसी में कहीं पर भी जो डायवोर्स वाइफ थी, सॉरी, जो विडो थी, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ये तो एक पर्सनल राइट था और पर्सनल राइट तो हस्बैंड की डेथ के साथ ही खत्म हो गया। सो इस करके उसके बाद वाइफ का कोई राइट नहीं बचता। देन अब हमारे पास है जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक है जो बचता है, उसके बारे में अब बात करते हैं, राइट। मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन की। मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन कहाँ पर जो मेंटेनेंस ले सकते हैं, किस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, तो जो चिल्ड्रन है वो भी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में, राइट, उसके बाद 1986 का एक्ट उसमें, देन उसके बाद सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। पर ये बात याद रखना, ये लेजिटिमेट चाइल्ड है, ओनली क्या है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है, ये क्या है, लेजिटिमेट चाइल्ड होने चाहिए। सो सबसे पहले क्या है, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ,
अगर मैं पहले अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करूं तो इसमें दो बातें आती हैं, सो जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले एक केस है, आप केस लिख लेना जो इंपॉर्टेंट है, नूर सबा खातुन वर्सेस मोहम्मद कौसिम, राइट। AIR 97 सुप्रीम कोर्ट 3280, राइट। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि बोथ द अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड स्टैचुरी लॉ, स्टैचुरी लॉ मीन्स जो हमारा CRPC है, द ऑब्लिगेशन ऑफ द मुस्लिम फादर हैविंग सफिशियंट मीन्स टू मेंटेन हिज माइनर चिल्ड्रन, राइट, अनएबल टू मेंटेन themselves, सो टिल द अटेन मजोरिटी एंड इन केस ऑफ फीमेल दे टिल दे गेट मैरिड इज एब्सोल्यूट, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या था इस केस में बताया, अब हम वहां पर चलते हैं कि जो अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसमें जो लेजिटिमेट चाइल्ड है अगर तो वो सन है, ठीक है, अगर तो वो सन है तो वो टिल एज ऑफ मजोरिटी, जो उसकी एज ऑफ मजोरिटी है तब तक अपने पेरेंट्स से अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, राइट। अगर उसके बाद डॉटर है तो वो टिल द एज ऑफ मैरिज, सॉरी टिल द मैरिज, कि मैरिज तक जो डॉटर है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने फादर से, राइट, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में, ठीक है जी। जे सन है तो मजोरिटी तक मीन्स कि 18 साल तक, क्योंकि जो एज ऑफ पॉवर्टी है वो सिर्फ 3 केसों में चलती है, मैरिज के, डावर के एंड डाइवोर्स में, राइट। सन है टिल द एज ऑफ मजोरिटी एंड जो डॉटर है तो टिल द मैरिज तक वो अपने फादर से है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इसका इंपॉर्टेंट केस ये है नूर सबा खातून वर्सेज मोहम्मद कासिम, राइट। अब बात आती है कि अगर जो डॉटर है वो मैरिज हो जाती है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था विडो, अब विडो तो है जो अपनी मेंटेनेंस भी नहीं ले सकती क्योंकि वो तो उसके हस्बैंड का पर्सनल लाइबिलिटी थी, वो तो वहां पर ही खत्म हो गया, राइट। तो अगर जो डॉटर का हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है तो फादर की लाइबिलिटी बनती है कि अपनी डॉटर को, जो विडो डॉटर है उसको मेंटेन करना, राइट, जो विडो डॉटर है उसे मेंटेन करना, फादर की ड्यूटी बनती है कि विडो डॉटर को मेंटेन करना, राइट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो समझ आया होगा, विडो डॉटर को मेंटेन करना ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। उसके बाद अगर मान लो कि डॉटर का डाइवोर्स हुआ है तो उस केस में जो है उसका जो फॉर्मर हस्बैंड होगा वही जो है डॉटर को मेंटेन करेगा, अगर डॉटर फिर भी अनएबल है टू मेंटेन हरसेल्फ देन उसका फादर डॉटर को मेंटेन करेगा, तो इसमें डाइवोर्स डॉटर भी आ जाएगा। अगर पर इसमें शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि अनएबल है टू मेंटेन हरसेल्फ, अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है जी। जो नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम दा केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, सीआरपीसी में भी, राइट। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कहता है अगर सन है तो एज ऑफ मेजोरिटी तक मीन्स 18 साल तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, अगर डॉटर है तो वो मैरिज तक, पर अगर विडो डॉटर है तो भी अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ है तो भी फादर को जो है विडो डॉटर को मेंटेन करना पड़ेगा, अगर डाइवोर्स डॉटर है वो भी अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ है तो भी फादर को मेंटेन करना पड़ेगा। पर हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा है कि जो डॉटर है, डाइवोर्स डॉटर है जहाँ डाइवोर्स वाइफ है उसके पास तो फिर भी राइट है कि वो अपने जो फॉर्मर हस्बैंड है उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, राइट। पर जो विडो है उसके पास तो कोई राइट ही नहीं है क्योंकि ये तो पर्सनल लाइबिलिटी थी, उसके डेथ के साथ ही राइट खत्म हो गया, तो उस केस में जो है विडो डॉटर को जो है मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ये था हमारा फर्स्ट, देन उसके बाद अब बात करते हैं सीआरपीसी की, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सीआरपीसी की, ठीक है जी।
अब हम बात करेंगे कि सीआरपीसी में क्या जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते, तो इसमें भी सेम ही रहेगा, राइट। इसमें भी है जो सेम रहेगा, जो सन है वो टिल द एज ऑफ मजॉरिटी एंड जो डॉटर है वो एज ऑफ मैरिज तक जो मेंटेनेंस है उसे क्लेम कर सकती है, राइट। ठीक है जी, इस विच भी टू ही कंडीशंस आएंगे सीआरपीसी विच भी, क्योंकि पर राइट जरूर है चिल्ड्रन के पास, लेजिटिमेट चिल्ड्रन के पास, वो क्या है वो मेंटेनेंस, वो जो सन है वो 18 साल की एज तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकता, और जो डॉटर है वो मैरिज तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जो लेजिटिमेट चाइल्ड के केस में है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है, ठीक है, सीआरपीसी में भी क्लेम कर सकते, वो भी सेम है, सन है तो मेजॉरिटी तक है, डॉटर है तो मैरिज तक है। देन उसके बाद था जो अंडर 1986 का एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में बात करते हैं, राइट। ठीक है जी, तो जो 1986 का एक्ट है इसमें सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द 1986 एक्ट डज नॉट इन एनी वे अफेक्टेड द राइट ऑफ माइनर चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्स मुस्लिम पेरेंट्स टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फादर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी टिल दे अटेन मेजॉरिटी और आर अवेल टू मेंटेन देमसेल्फ और इन केस ऑफ फीमेल टिल द केस ऑफ मैरिड। इसमें क्या मतलब है, अब मैं बताता हूं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी जो 1986 एक्ट है इसमें क्या है कि जो डिवोर्स मुस्लिम वोमेन है वो इंटाइटल कर सकती है मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो डिवोर्स वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, राइट। जहां पर भी जो वाइफ है डिवोर्स वाइफ अपने फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन के लिए जो हु आर अंडर कस्टडी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। सो मीन्स टू से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डिवोर्स वाइफ अपने के लिए जो उसके लिए है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अगर उसके चिल्ड्रन है और उनको 2 साल के अभी अंडर है तो वो अपने चिल्ड्रन के लिए भी मेंटेनेंस क्लेम करेगी अपने फॉर्मर हस्बैंड से। और ये राइट है जो चिल्ड्रन का राइट है सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम करना है, मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस क्लेम करना है, वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो चिल्ड्रन का राइट है अंडर सीआरपीसी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में। वो चिल्ड्रन का राइट है कि 18 साल तक सन है उसने अपने फादर से जो है मेंटेनेंस लेनी और जो डॉटर है उसने मैरिज तक मेंटेनेंस लेनी है। पर ये जो राइट है ये मदर का राइट है कि मदर ने अपने चिल्ड्रन के लिए मेंटेनेंस मांगनी है अपने फॉर्मर हस्बैंड से, ये चिल्ड्रन का राइट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ए डिवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड फॉर ए चिल्ड्रन हु आर द अंडर हर कस्टडी फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर कब से, जब से फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सच चिल्ड्रन, राइट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट किया क्या है कि दैट मीन्स सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ओनली द फादर इज लाइबल टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन जो बॉर्न फ्रॉम हिज डिवोर्स वाइफ, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि वाइफ का राइट है, वो क्या है, डिवोर्स वाइफ का राइट है कि अपने चिल्ड्रन के लिए मेंटेनेंस क्लेम करना जो अंडर कस्टडी 2 ईयर के है, राइट। डिवोर्स वाइफ का राइट है, सबसे पहले क्या है कि वो डिवोर्स वाइफ का राइट है। उसके बाद ओनली फादर लाइबल है मेंटेन करने के लिए, राइट, टू मेंटेन कि फादर लाइबल है, फादर ने मेंटेन करना है। और ये जो राइट है ओनली वोमेन का राइट है, इसमें जो है चिल्ड्रन का कोई राइट नहीं है, चिल्ड्रन इसमें कोई भी मांग नहीं कर सकते, ये सिर्फ वाइफ का जो डिवोर्स वाइफ है उसका राइट है। इस बात को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अंडर 1986 एक्ट में जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है कि डिवोर्स वाइफ का राइट है वो अपने फॉर्मर हस्बैंड से जो अपने लिए भी मेंटेनेंस मांग सकती है और अपने बच्चों के लिए भी जो 2 साल के अंडर है उसकी कस्टडी में। और ये राइट वाइफ का है, चिल्ड्रन का नहीं, चिल्ड्रन का राइट अंडर सीआरपीसी
सेक्शन 125 और अंडर मुस्लिम लॉ में है, जिसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और ये बात हमने पहले पढ़ी है, राइट। और फादर लाइबल होगा मेंटेन करने को अपने चिल्ड्रन के लिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हमने जो मेंटेनर है टू चिल्ड्रन लेजिटिमेट के केस में, वो हमने समझ लिया, राइट। लेजिटिमेट केस में क्या था कि मेंटेन्स टू अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, सीआरपीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो साफ है, टिल द एज ऑफ मेजोरिटी सन है, डॉटर है तो मैरिज तक, सीआरपीसी में भी सेम है। पर 1986 एक्ट कहता है कि जो राइट है 2 साल के अंडर कस्टडी में है चिल्ड्रन है, वो जो डायवोर्स वाइफ है या मदर है उसका राइट है, राइट। और हस्बैंड लाइबल है उसको, जो फॉर्मर उसका हस्बैंड फादर है बच्चों का, वो लाइबल है। और ये राइट सिर्फ उस मदर का है, ना कि चिल्ड्रन ही इसको क्लेम कर सकते, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ इललेजिटिमेट केस, कि जो इललेजिटिमेट चिल्ड्रन है क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, राइट। आगे हमारा सेकेंड पॉइंट है मेंटेनेंस टू इललेजिटिमेट चिल्ड्रन। अब इसमें भी हम मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड सीआरपीसी में देखेंगे, राइट। पर्सनल लॉ वो अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125। अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, सेक्शन 125 अंडर सीआरपीसी, पेरेंट्स आर बाउंड टू मेंटेन हिज और हर चिल्ड्रन लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट चिल्ड्रन। सो मींस टू से जो इललेजिटिमेट चाइल्ड है, राइट, वो सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं फादर से भी और मदर से भी, राइट। तो जो सेक्शन 125 है उसमें चाइल्ड लेजिटिमेट है, इललेजिटिमेट है, वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मीन्स वो फादर एंड मदर दोनों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, राइट। ठीक है, इललेजिटिमेट केस में भी और लेजिटिमेट केस में भी अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125। सो इसमें साफ है। उसमें उसके बाद हम बात करते हैं अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ की, ठीक है। अब बात करते हैं अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पहले हमने देखा सीआरपीसी में, सीआरपीसी में जो लैंग्वेज कहती है, चाहे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है इललेजिटिमेट चिल्ड्रन है, वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मींस फादर से भी और मदर से भी। पर अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो इललेजिटिमेट चाइल्ड है वो सिर्फ अपनी मदर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं, फादर से नहीं, क्योंकि फादर की कोई भी ड्यूटी नहीं है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में, राइट। क्योंकि फादर को लीगल गार्जियन नहीं मानते, सो फादर इज नॉट लीगल गार्जियन फॉर हिज इललेजिटिमेट चाइल्ड, सो ही इज नॉट लाइबल टू मेंटेन हिज इललेजिटिमेट सन और डॉटर। सो मीन्स टू से कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो फादर है उसे लीगल गार्जियन नहीं मानते, राइट। जो फादर है इललेजिटिमेट केस में, फादर इज नॉट लीगल गार्जियन। अगर फादर लीगल गार्जियन नहीं है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, उसकी कोई ड्यूटी नहीं कि वो मेंटेन करे अपने इललेजिटिमेट चाइल्ड को, राइट। फादर इज नॉट लीगल गार्जियन, कि जो फादर है इललेजिटिमेट केस में उसे लीगल गार्जियन नहीं मानते। बट अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ, इललेजिटिमेट चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम इट्स मदर ओनली, जो हनाफी लॉ में है, राइट। जो हनाफी लॉ उसमें कहते हैं कि जो चिल्ड्रन इललेजिटिमेट चिल्ड्रन है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, इललेजिटिमेट जो चिल्ड्रन है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम मदर, कि मदर से वो जो मेंटेनेंस है क्लेम कर सकते हैं। तो ये था अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ का सिचुएशंस, राइट। अगर मैं बात करूं अंडर सीआरपीसी में, तो लेजिटिमेट चाइल्ड है इललेजिटिमेट चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, मींस कि अपने फादर से भी अपने मदर से भी, राइट। पर अगर मैं बात करूं अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ की,
तो अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो फादर इज नॉट लीगल गार्जियन, कि फादर को लीगल गार्जियन नहीं मानते, सो फादर की ड्यूटी नहीं है कि इल एस्टिमेट सन और डॉटर को मेंटेन करना। पर हनाफी लॉ कहता है कि जो इल एस्टिमेट चिल्ड्रन है वो मेंटेनेंस अपनी मदर से क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मदर के लिए कोई भी बच्चा इल एस्टिमेट नहीं होता, मदर इज ऑलवेज मदर, राइट, मदर इज ऑलवेज मदर। ये पॉइंट हिंदू लॉ में भी सेम चलता है, मदर इज ऑलवेज मदर, मदर के लिए कोई भी बच्चा इल एस्टिमेट नहीं होता। सो इस करके हनाफी लॉ वाले कहते हैं कि जो मदर है, सॉरी इलेस्टिमेट चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है वो अपनी मदर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, पर अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में फादर इज नॉट लीगल गार्जियन, सो आप फादर से मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते। पर सेक्शन 125 CRPC में जो एक यूनिफॉर्म कोड है उसमें आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, आप लेजिटिमेट हो आप इलेस्टिमेट हो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म कोड है और मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन सब पर वो अप्लाई करेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन है वो समझ आया होगा। एक बार रिकैप लेते हैं, नूर सभा खातून मोहम्मद कासिम का केस आया था जिसमें बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और CRPC में आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ में सिर्फ दो ही पॉइंट है, सन है तो टिल द एज मेजोरिटी तक, डॉटर है तो मैरिज तक। अगर डॉटर के जो विडो डॉटर है तो हस्बैंड सो फादर को मेंटेन करना पड़ेगा, कि विडो डॉटर के पास कोई सोर्सेस नहीं है तो। अगर और सेम डाइवोर्स जो डॉटर है उसके केस में भी यही केस फॉलो किया जाए, अगर वो अनेबल है टू मेंटेन हर सेल्फ देन जो फादर है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। देन CRPC में भी सेम है, CRPC में लेजिटिमेट इलेजिटिमेट सन दोनों को आप मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, पेरेंट्स की ड्यूटी है। और अंडर जो है हमारा 1986 एक्ट है उसमें ये है कहने के मदर का राइट है, मदर क्लेम कर सकती है अपने चिल्ड्रन के लिए, जो 2 साल अंडर कस्टडी है मदर के वो अपने फॉर्मर हस्बैंड से मांगेगी चिल्ड्रन के लिए, और फादर लाइबल है मेंटेन करने के लिए, और चिल्ड्रन का कोई राइट नहीं है इसमें, राइट, इसमें चिल्ड्रन का कोई राइट नहीं है, जैसे चिल्ड्रन का राइट था मुस्लिम पर्सनल लॉ में, राइट, कि कोई बॉय है वो 18 साल तक क्लेम कर सकता, डॉटर है तो मैरिज तक वो क्लेम कर सकते, उसका राइट है। पर इस एक्ट में जो है चिल्ड्रन हैज नो राइट बिकॉज, क्योंकि उनका राइट नहीं है, ये ओनली मदर का राइट है, ये चिल्ड्रन का राइट नहीं है, ये मदर का राइट है, राइट। तो उसके बाद हमने इल एस्टिमेट केस में देखा, CRPC में लेजिटिमेट है, इल एस्टिमेट है, जो चिल्ड्रन है अपने अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, मदर से भी फादर से भी। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तब मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो फादर है उसे लीगल गार्जियन नहीं मानते, सो इस करके जो फादर है वो लाइबल नहीं है। और हनाफी लॉ में क्या है कि जो इल एस्टिमेट चिल्ड्रन है वो अपनी मदर से मेंटेनेंस ले सकते हैं, बिकॉज मदर इज ऑलवेज मदर, मदर के लिए कोई भी बच्चा कोई भी चाइल्ड इल एस्टिमेट नहीं होता, जो हिंदू में भी सेम चलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब लास्ट में हमारा एक बसता है जो मेंटेनेंस टू पेरेंट्स है, राइट, अब उसके बारे में बात करते हैं कि मेंटेनेंस टू पेरेंट्स, राइट, एज्ड पेरेंट्स। मेंटेनेंस टू एज्ड पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के पास अपने रीजनेबल सोर्सेज हैं, उनके पास जॉब है या कोई उनके पास प्रॉपर्टी है या उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो वो अपने चिल्ड्रन से जो बच्चे हैं उनसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। पर अगर पेरेंट्स के पास वो अनेबल है मेंटेन टू हर सेल्फ या देम सेल्फ, उस केस में जो पेरेंट्स है मेंटेनेंस मांग सकते हैं, राइट। सो अंडर मुस्लिम लॉ, अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो चिल्ड्रन आर बॉन्ड टू मेंटेन देयर पेरेंट्स, बट इफ पेरेंट्स आर हैविंग सफिशियंट मीन्स देन चिल्ड्रन आर नॉट लाइबल टू पे मेंटेनेंस। अगर पेरेंट्स के पास अपने सफिशियंट मीन्स है तो जो चिल्ड्रन है वो लाइबल नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास सफिशियंट मीन्स नहीं है, वो डिपेंड है चिल्ड्रन के ऊपर, देन चिल्ड्रन की ड्यूटी बनती है, ठीक है। चिल्ड्रन में डॉटर और बॉय दोनों को, जो सन है जो डॉटर है दोनों का इक्वल लाइबल है टू मेंटेन पेरेंट्स के लिए, राइट, इसको बात को याद रखना, सन है एंड डॉटर है इक्वल लाइबल है, डॉटर इक्वल लाइबल है कि मेंटेन करना अपने पेरेंट्स को, जो इक्वल लाइबल होंगे,
सन भी और डॉटर भी। अगर पेरेंट्स के पास अपने सफिशिएंट मींस है तो सन एंड डॉटर लाइबल नहीं है, अगर उनके पास नहीं है वो डिपेंड है अपने चिल्ड्रन के ऊपर, देन सन एंड डॉटर इक्वल लाइबल होंगे। पर अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ए सन इज नॉट बाउंड टू मेंटेन हिज स्टेप मदर, दैट इज ही इज नॉट बाउंड टू मेंटेन कि दैट जिहड़ी वाइफ ऑफ हिज फादर हु इज नॉट हिज ओन मदर। सो मीन्स टू से जे इंपॉर्टेंट है कि जो सन है मीन स्टेप सन है वो नॉट बाउंड नहीं है कि मेंटेन करना अपनी स्टेप मदर को, राइट जो स्टेप सन है इज नॉट बाउंड टू मेंटेन स्टेप मदर, वो स्टेप मदर को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड नहीं है, वो किसके लिए बॉन्ड है सिर्फ नेचुरल पेरेंट्स, जो नेचुरल लीगल गार्जियन है उसको मेंटेन करने के लिए बॉन्ड है। स्टेप सन अपनी स्टेप मदर को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड नहीं है, और पेरेंट्स वन सेक्शन 125 में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, उसमें भी सन एंड डॉटर इक्वली लाइबल है, राइट। तो मैं जहां पर चार्ट बनाता हूं मेंटेनेंस टू पेरेंट्स, राइट, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125, राइट। तो इसमें भी जो डॉटर है सन है इक्वल लाइबल है, इक्वल लाइबल है मेंटेन करने के लिए। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसमें भी जो सन है डॉटर है इक्वल लाइबल है, राइट। बट जो स्टेप सन है अंडर मुस्लिम लॉ में वो अपनी स्टेप मदर को मेंटेन करने के लिए लाइबल नहीं है, ये पॉइंट हिंदू लॉ से डिफरेंट चलता है, राइट। सो जो स्टेप सन है वो अपनी स्टेप मदर को मेंटेन करने के लिए लाइबल नहीं है, वो अपने जो उसके लीगल गार्जियन है नेचुरल गार्जियन है उसे मेंटेन करने के लिए बाउंड है। अगर पेरेंट्स के पास अपने सफिशिएंट मींस है तो चिल्ड्रन वहां पर बाउंड नहीं है, अगर नहीं है पेरेंट्स डिपेंड है अपने चिल्ड्रन के ऊपर, देन चिल्ड्रन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे। और सन है डॉटर है इक्वल लाइबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डॉटर है तो वो मेंटेन नहीं करना, ऐसा नहीं है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है और सीआरपीसी है दोनों में बोथ इक्वल लाइबल। तो मुझे उम्मीद है आपको जो लेक्चर समझ आया होगा, थोड़ा गला भी अब ख़राब हो गया भूल भूल के, सॉरी उसके लिए कि अब मैं रिकैप नहीं करा सकूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकैप कर लेंगे एक बार ले लेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो मेंटेनेंस का टॉपिक है वो कवर हो गया, इस पे ऊपर ज़्यादा लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर हो गए, चलो समझने में थोड़ा आपको आसान होगा अब, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो गिफ्ट है हमारा हिबा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।